फर्स्ट आप लोग दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए, अब मैंने आपको ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को यूज करना सिखाया था उस टाइम पे। सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, 1 मिनट का प्लेटफॉर्म आप लोगों ने देखना है, और 1 मिनट के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को जो है बेट लगानी है। जैसे आप लोगों के पास तोसी होंगे, मेरे पास जो आप लोगों को दिख रहे होंगे 9266। डिपॉजिट करने का ऑप्शन बहुत अच्छा है। अगर आप लोग डिपॉजिट करके प्ले करना चाहते हैं तो पहले स्ट्रेटेजी समझ के आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, और डिपॉजिट करने का तरीका मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। प्रॉफिटेबल हो सकता है बहुत अच्छा, आप लोग अगर स्ट्रेटेजी से इसमें काम करेंगे और सीखेंगे और काम करेंगे। जैसे मैं अभी बात कर लेता हूँ, मैं 3200 के लगा रहा हूँ कि मुझे लगता है यहाँ से ये ऊपर जाएगा कोई नीचे आएगा। तो आपको सिर्फ इतना प्रिडिक्ट करना है, अगले 1 मिनट में आप लोगों का जो कॉल लोगे आप ऊपर या नीचे। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखिए अगले 1 मिनट में मैं कॉल लूंगा तो वो मुझे सिर्फ इतना प्रिडिक्ट करना है कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो सिर्फ इतना प्रिडिक्ट करने के बाद आप लोगों के पास ऑप्शंस मिल जाएंगे। हर 1 मिनट में आप लोगों को लॉक कर देगा ये, और 1 मिनट तक आप लोगों को सिर्फ फोकस करना है कि आपको ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। जैसे अभी मेरा ओपन हो जाएगा कॉल और पुट का ऑप्शन, तो यहाँ पे ऊपर का ऑप्शन लेके चल रहा हूँ। यहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा ऊपर जाएगा वो नेक्स्ट 1 मिनट में। तो यहाँ से प्रेडिक्शन स्टार्ट हुई थी, तो देखते हैं अभी मेरा जो ऑप्शन है वो कहाँ तक इसमें जा पाता है। यहाँ पे लॉक हो गया, मैंने 3200 की लगाई है, यानी कि 6 मेरे बाकी के। देखिए यहाँ तक आने आने में वो मेरी लेंथ पार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये लॉस होगा प्रॉफिट होगा ये डिपेंड करता है। अभी देखते हैं, इसमें सिर्फ कंक्लूजन पता चल जाएगा कि प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो ऐसे ही आप लोगों को जो है क्लोज करना रहेगा। जैसे ये नीचे नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली मेरा जो फर्स्ट राउंड है वो ऑब्वियसली क्रैक नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पे मेरा बैलेंस यहाँ पे खत्म हो गया है, तो अभी मैं दोबारा लगाता हूँ कि ऊपर फिर जाएगा। तो देखते हैं अब की बार फिर 1 मिनट के बाद मेरे को कंक्लूजन क्या मिलता है। ये मेरी जो लाइन बनी हुई आप लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर ये जाना चाहिए जो आप लोगों को फोकस करना है। काफी नीचे आ गया उससे भी। खैर देखते हैं टाइम में क्या होता है। अगर ये यहाँ से क्रॉस करता है ऊपर तो अपने को प्रॉफिट होना है, अदरवाइज ये जो है फिर माइनस में बैलेंस चला जाएगा। देखते हैं इसमें, ये देखिए ऊपर चला गया है। होप सिर्फ 14 सेकंड की बात है, 14 सेकंड में अगर ये यहाँ से आने से पहले पहले ऊपर चला गया तो हम लोग इसमें विन कर पाएंगे, अदरवाइज ये लॉस जाएगा। ये देखिए बिल्कुल टाइम पे आने के बाद ये बिल्कुल मेरा माइनस पे हुआ। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है थोड़ा फोकस करके। अभी मेरा लास्ट बचा हुआ है, मैं अब वो भी ट्राई कर लेता हूँ। और ये देखिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ पुट का ऑप्शन कि मुझे यहाँ से मेरा जो है ये नीचे जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम पे लगा चुका हूँ। तो इस तरह आप लोगों को सिर्फ फोकस करना है कि आपका ये प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे इसका ट्रेंड चेक करते हुए सिर्फ आप लोगों को थोड़ा रखना है कि आपको ये माइनस में देगा या प्लस में। तो अभी देखते हैं लास्ट हम लोग जो है कॉल पुट का ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, इसके बाद मेरा बैलेंस भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को स्ट्रेटेजी बना के इसका ट्रेंड चेक करके आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्योंकि वो ही आप लोगों को जो है अर्निंग करा पाएगा, अदरवाइज आप लोगों को अर्निंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और मेरी लाइन के नीचे गया है और ऑब्वियसली माइनस हुआ है कि प्लस, ये माइनस ही चला गया क्योंकि बिल्कुल एट टाइम पे ये इन्होंने फिर माइनस किया। तो इस तरह इसको यूज करेंगे दोस्तों, यही ऑप्शंस था, इसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह स्ट्रेटेजी पे थोड़ा सा ध्यान रखना है और अपने प्ले करके देखना है।